नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का आज एक नए ब्लॉग में। आज हम यहाँ ग्राम बसावनपुर में आए हुए थे, यहाँ भंडारा था, तो यहाँ पीछे मैंने देखा एक बहुत अच्छा सुंदर बाग था। तो इस बाग में कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं आइए आपको दिखाते हैं। इधर ये अमरूद का पेड़ है, इस पर अमरूद भी लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, अमरूद से लदा हुआ है, लेकिन अभी अमरूद छोटे हैं, कच्चे हैं, कुछ ऐसा है बाग ये। ये देखिए कितने बड़े बड़े कटहल लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं नीचे लगे हुए हैं, ऊपर तक लगे हुए हैं, वहाँ तक, और जड़ से ही शुरू हो रहे हैं। ये रही इसकी जड़, और ये जड़ से ही लगे हुए हैं। पता नहीं किस चीज़ का ये पेड़ है, इस पर ऐसे ये फल लगे हुए हैं। आप किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना ये किस चीज़ का पेड़ है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये कमरख का पेड़ है, कमरख जिसका अचार बनता है। इस पर देखिए कितनी सारी ये कमरख लगी हुई हैं, दिख रही होंगी आपको, बहुत ढेर सारी अंदर ही अंदर कमरख लगी हुई है। वाह, देखिए ये है कमरख का फल, अब खट्टा होता है खाने में ये फल। ये इसी पेड़ से अभी मैंने तोड़ा है, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो देखा इस पर तो बहुत सारी कमरख लगी हुई हैं। हाँ यही। और ये जो आप देख रहे हैं ये पिंदारे का पेड़ है, पिंदारा जिसको आप गूगल करके आप नहीं जानते हो, सर्च करके आप पता कर सकते हैं कि पिंदारा क्या होता है। पिंदारा जिसका अचार भी पड़ता है, और पिंदारे की सब्ज़ी भी बनती है, सब्ज़ी बहुत बेहतरीन होती है, मैंने भी खाई है कई बार। छोटा जैसा अमरूद होता है इतना बड़ा अमरूद, जब अमरूद छोटा होता है कच्चा होता है उस टाइप का फल होता है ये, लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत बेहतरीन बनती है। इधर इसी एक लाइन ये केले लगे हुए हैं, और ये इधर आम, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, लेकिन आम पर अभी फल नहीं आए, पता नहीं क्यों, ऐसे तो अमूमन आम का ही सीज़न चल रहा है, फल लदे होने चाहिए, लेकिन अभी नहीं लगे हैं। तो कैसा लगा आज के वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज, बाय बाय, जय हिंद।